पूरा फाटक ही बैठ गया भाई। ये ड्राइवर भाई के हाथ कहीं लग गई, बोले गाड़ी भीड़ भड़ाके में इंदौर में, तो ये नुकसान हो गया। बाकी थोड़ा और अभी अपने को जाना भाई नासिक, अपनी गाड़ी लोड करना है, अब भी क्रॉसिंग करना है। गाड़ी एक फेल हो गई आलू, और आलू भर के जाना भाई सीधा अपने को नासिक चलना है। हाँ हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई आप सब। उम्मीद करता हूँ, आई होप अपने अपनी जिंदगी में आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो करते भाई अपने यूट्यूब चैनल विक्की ट्रकिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत, और करते भाई इस वाले ब्लॉग को स्टार्ट। तो पीछे वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, मैं घर से निकल के आ गया था और मामा के यहाँ पे, मेरे पापा के मामा के यहाँ पे, और मेरी जो दादी है उनके सिस्टर के यहाँ पे भी गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी भाई, तो उसी चक्कर में हम आए थे यहाँ पे। बाकी भाई कल वापस घर जा नहीं सके हम, और आज है हमको यहाँ पे दूसरा दिन, तो आज जाएंगे। और अभी हम बैठे हुए हैं, दादी उधर बैठी हुई है, जमुना भी उधर बैठी हुई है, और हम तीन आए थे, मतलब दादी तो एक दिन पहले आ गई थी, मैं और जमुना कल ही आए थे। तो आज वापस घर जाने वाले है, तो अभी खड़े भाई इस प्यारी सी लोकेशन पे, देख सकते हो मस्त ठंडी ठंडी महकती हवा आ रही है, और देख सकते हो ये प्यारी सी लोकेशन, और ये महुए का पेड़ है, इसके नीचे हम खड़े हुए हैं, देख सकते हो ये महुए का पेड़। पर अपने घर पे बकरियां है ना, तो बकरियों के लिए मैंने पाला वाला तोल लिया है, ये क्या बोलते हैं महुए के पत्ते तोल लिए। बाकी उधर गुल्लर का पेड़ है, तो उसके भी पत्ते तोल लिए मैंने, दो पेड़ के मिक्स कर लिए भाई। तो ये बोरी भर ली मैंने, देख सकते हो ये बोरी भर के पत्ते रख लिए घर के लिए, और बकरी खाएगी भाई, अपने घर पे बकरी है ना, तो हमारी दादी पाल रखी बकरी है मतलब अपने ही बकरे हैं, तो दादी आदि चराती है वो। और उधर गुलर का पेड़ देख सकते हो, इस पे चढ़ा था अभी मैं और तोल लिया, और इसके तो पत्ते नीचे नीचे थे, तो हाथ से तोल लिए भाई, देख रहे हो बहुत ही मस्त छांव है भाई, ठंडी ठंडी महकती हवा आ रही है मस्त वाली, और धूप में जाओ तो गरम गरम और पेड़ पौधे के नीचे बिल्कुल ठंडी ठंडी, क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन देते हैं ना, इन्हीं की वजह से आज हम जीवित हैं, मतलब पूरी दुनिया जो है ना जीवित है इन पेड़ों की वजह से, ये ऑक्सीजन देते हैं। जिस दिन पेड़ खत्म हो जाएंगे धरती पे ना उस दिन समझ लो दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब इंसान एक भी सांस लेने के लायक, जीने के लायक ही नहीं रहेगा, तो क्या कहाँ से सांस लेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और ताजी ताजी हवा खाना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बाहर का आपको लोकेशन बताता हूँ यहाँ का, बाकी अभी जाएंगे हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद में घर जाएंगे भाई। तो थोड़ा सा बाहर का लोकेशन बताता हूँ, पहले तो क्या करता है इसके है ना मुंह बांध देते भाई, क्योंकि बाइक पे रखना अपने को, बाइक के ऊपर लेके जाना है इसको, इसीलिए बांध दिया मैंने इसका मुंह बोरी का, और अपनी बाइक भाई ये खड़ी है समझ लो, और वो रहा है पप्पा के मामा का, मैं भी मामा ही बोलता हूँ पप्पा के मामा है तो मैं भी मामा ही बोलता हूँ। बाकी अभी क्या हालत खराब हो रखी, तो नहा धो लेते भाई, क्योंकि यहाँ पे है ना बोरिंग है, और बोरिंग चालू है अभी, इधर मूंग बो रखे है मामा ने, देख सकते ये तो पानी दे रहे है उधर मामा के लड़के, तभी मैं जा रहा हूँ नहा धो के आता हूँ, हालत खराब हो गई है। और जो महुआ का पेड़ है ना, इसका चीख निकलता है, तो हाथों में लग गया पूरा ये, तभी जाएंगे उधर ही। और ये मामा का खेत है भाई, और दोस्तों प्यारा सा नजारा चेक करो बाहर का, शांति ही शांति भाई यहाँ पे, देख रहे हो पूरा जंगल है भाई यहाँ पे, और वो मकान है उधर। अभी मैं जा रहा हूँ उधर नहा के आता हूँ भाई, बोरिंग का पानी आ रहा है, दादी और जमुना उधर बैठे हुए हैं। और कल जो गए थे ना हम राजू भाई के यहाँ गए थे, मतलब मेरे जो दादी है ना, तो दादी के भाई के यहाँ पे, तो उनके भाई के लड़के के यहाँ पे गए थे, तो उनका ये चल रहा है भाई पानी। हाँ हाँ काम करेंगे तो खाएंगे, सही है। ये है कालू भाई, मेरे पापा के मामा के लड़के। हाय दोस्तों, बढ़िया कालू भाई, ठीक है यार। तो अभी पानी दे रहे क्यों? पानी दे रहा हूँ अभी। चलो बढ़िया। और वो जो महुए का पेड़ है ना, उसके पत्ते तोड़े मैंने अभी, और वो उधर गुलर का पेड़ मैंने बोला था ना, गुलर का जो पेड़ है उसके पत्ते तोड़े, तो वो वाला गुलर का पेड़ है ये। चलो दोस्तों नहाते धोते और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अब चलते हैं खाना वाना खाएंगे, और दिन के 12 बज चुके हैं भाई,
चलो भाई जा रहे घर की तरफ, और खाना वाना भी हो गया अपना, अब सबको करते भाई बाय। और भैया साथ में चल रहे अपने, तो दादी को बिठा लेंगे और मैं और जमुना हो जाएंगे, और जो अपने पत्ते तोड़े हैं ना बकरी के लिए वो रख लेंगे हम बीच में, भैया चलेगा भी निवाली तक। तो भाई आओ जो, मामे आओ जी, भाभी आओ जी, राजू दादा आना फिर, और उतर भाव ए वीडियो करना मजे आ रहा मैं, आओ जी। आ गया हूँ दोस्तों, घर पे पहुंच गए हैं, और अपनी दोनों गाड़ी खड़ी है, 94 और 86 उधर खड़ी है, और ये मुकेश भाई वाली 95 आई है। तो मुकेश भाई का भी फोन आया था, तो उन्होंने गाड़ी पहुंचाई, बोले कि विक्की भाई आपके पास जो प्लेट पड़ी है ना वो प्लेट लगा देना इसमें, बोले अभी वेल्डिंग वाले के यहाँ जा करके मतलब हेल्प कर देना भाई, बता देना कि कैसे क्या लगाना है ऐसा करके। तो ये दो प्लेट निकाल के 3 प्लेट लगाना है, वो अपनी गाड़ी में 94 में पुरानी लगी थी ना जो मैंने निकाल दी, और इसमें बड़ी लगाई तो उसमें छोटी लगी थी इसीलिए निकाल दी थी, तो वो इसमें लगाना है। बाकी नुकसान हो गया भाई मुकेश भाई का, देखो बेंड हो गया भाई फाटक, पूरा फाटक ही बैठ गया भाई। ये ड्राइवर भाई के हाथ कहीं लग गई, बोले गाड़ी भीड़ भड़ाके में इंदौर में, तो ये नुकसान हो गया। बाकी थोड़ा बहुत मुकेश भाई की गाड़ी का काम कराना है, बोल रहे थे वो पीछे डाले वाले का, तो डाले में क्या हो रहा देखते हैं अभी। वाले को डाले में क्या हुआ, अच्छा ये चादर निकल गई होगी इसीलिए ये होगा, ये और ये यहाँ से चादर उखड़ रही ना, इसको क्या अंदर डाल के है ना इसको टाके लगाना पड़ेगा, तो कलर वाला तो जल ही जाएगा, रेडियम भी जल जाएगा इसका। तो चलो कोई नहीं मुकेश भाई, अब अपने मित्र है, दोस्त यार है, तो जाना पड़ेगा यार, थोड़ा सा इसका काम बताने के लिए कि वेल्डिंग वाले भाई को ऐसा ऐसा कर दो करके। तो ठीक है अभी चलते हैं अभी घर। बढ़िया ना, बढ़िया, कहाँ से आ रहे हो? बस भैया घर से जा रहे इधर ऐसा चलो बढ़िया है बढ़िया है। तो भाई की गाड़ी है भाई, क्या मॉडल गाड़ी है ये? 17 बहुत मस्त रखी यार, कंडीशन बहुत टॉप है। क्या मॉडल है? 17 मॉडल है, तीसरा ओनर है और 2017 मॉडल, गाड़ी बहुत झकास रखी भाई ने इक्को। चलो ठीक है पहुंचे भाई फिर है ना। और भाई हम आ गए हैं क्या बोलते हैं वेल्डिंग वाले भाई के यहाँ पे, तो अभी काम करा रहे, और भाई शाम ही हो गई है देख सकते हो, तो वेल्डिंग वाला भाई लगा हुआ है काम करने में, और मुकेश भैया भी आ गए हैं। मुकेश भैया क्या हाल है? ये मुकेश भैया की गाड़ी है भाई, 85 है भाई, आराम से ही बेल्ट टूट गया, बेल्ट टूटा नहीं निकल गया, निकल गया आराम से देख के। तो चलो भाई कराते चिंटू भाई के यहाँ पे काम, चिक्कू भाई चिंटू भाई छोटा वाला है। फाइनली दोस्तों मुकेश भाई की गाड़ी का काम हो चुका है भाई, और अभी अपने को जाना भाई नासिक, अपनी गाड़ी लोड करना है, अभी क्रॉसिंग करना है, गाड़ी एक फेल हो गई है आलू, और आलू भर के जाना भाई सीधा अपने को नासिक चलना है। हाँ ये अपने सुरमल भाई, सुरमल भाई क्या हाल है? बढ़िया है ना, काम चलता निकल रहा। हाँ तो वो तो चलेगा यार, क्या करे गाड़ी घोड़े है। ये 1488 वाले, एक इनके गांव की 1788, एक इनकी गाड़ी है सुरमल भाई की 1788। हाँ दो गाड़ी सेम ही नंबर की है। चलो पहुंचो है ना। हाँ ठीक है आओ भाई भाई भाई। तो ये लगा दिया भाई रिस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर जो लिखा हुआ है ना, ये वाली अपनी 94-93 में लगी थी पहले ये वाली प्लेट, तो लगा दी भाई इसमें। तो चलो काम वाम तो हो गया है, और मेरी भी गाड़ी 86-80 लेके भाई मेरे को नासिक जाना है। अब भी जस्ट फोन आया है, तो अभी ट्रांसपोर्ट वाले का एक बार फिर से फोन आएगा, तो क्या होता क्या नहीं, और जैसे ही फोन आएगा वैसा चलना अपने को नासिक। आ गया है दोस्तों ट्रांसपोर्ट वाले का फोन, और गाड़ी क्रॉसिंग करना है प्लासनेर से अपने को, और भर के जाना है भाई नासिक। तो 94 भी सुबह सूरत जाएगी ऐसा फोन आया है ट्रांसपोर्ट वाले का, उनका भी अभी क्या बोलते हैं कंफर्म नहीं हुआ है, पक्का नहीं हुआ है, बाकी अपना पक्का हो गया 86 लेके निकल रहे भाई। और बाकी इस वाले ब्लॉग को भाई रखते हैं यहीं तक, और आज वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और निकलते फिलहाल में, और मिलते आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करते टाटा बाय बाय, गुड नाइट।